जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही शर्मसार घटना के दौरान आपको बता दें कि फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए गलत वारदात को अंजाम देने का बड़ा ही मामला देखने को मिल रहा है। दरअसल यह पूरा मामला राजस्थान के बीकानेर जिले के जसरसर थाना क्षेत्र का है, जहां पर युवती ने 11 नवंबर को जसरसर थाने में मामला दर्ज करवाया है। युवती ने शिकायत में बताया कि सीताराम सेवड़ी गांव का रहने वाला है और आरोप है कि आपत्तिजनक फोटो वीडियो बना लिए थे, जिसके बाद वायरल करने की धमकी देते हुए गलत वारदात को अंजाम देता आ रहा है। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर थानाधिकारी जगदीश पांडर ने मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। इस मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस अधिकारी योगेश यादव ने त्वरित कार्रवाई करने के आदेश दिए। इस पर टीम बनाकर कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद सीताराम सुथार को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी सीताराम नागौर जिले का रहने वाला था। ऐसे में पुलिस ने नागौर के श्री बालाजी थाना क्षेत्र में जाकर उसे गिरफ्तार किया है, जिसके बाद मंगलवार को अदालत में पेश किया गया है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।